यहाँ फोर व्हीलर पार्किंग का एरिया है और इधर से जय हिंद दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजिंग जर्नीज में। तो आज हम आए हैं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर। पूरा वीडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जय बाबा गोरखनाथ बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ फोर व्हीलर पार्किंग का एरिया है और इधर से रास्ता है गोरखनाथ मंदिर जाने का। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मूर्ति वगैरह मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा मेला टाइप लगा है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपनी जाति त्याग कर नाथ योगी बन गए, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां एक माह चलने वाला विशाल मेला लगता है, जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों तथा मठों की देखरेख यहीं से होती है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरक्षनाथ जी सतयुग में पेशावर पंजाब में, त्रेतायुग में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, द्वापर युग में हरमुज द्वारिका के पास तथा कलियुग में गोरखमधि सौराष्ट्र में आविर्भूत हुए थे। चारों युगों में विद्यमान एक योनिज अमर महायोगी सिद्ध महापुरुष के रूप में एशिया के विशाल भूखंड तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंघल तथा संपूर्ण भारतवर्ष को अपने योग से कृतार्थ किया। नाथपंथी या नाथवंशी का इतिहास यह मूल रूप से नाथ समाज की श्रेष्ठ जाति जोगी समाज से होते हैं, या यूं कह तो शिव के वंशज होते हैं, जो शिव शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एशिया में नेपाल में 20%, भारत 13.5%। पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर पार्किंग है। ये देखें, आगे से जाके हम लोग एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है चढ़ाने के लिए, आप लोग लेके चढ़ा सकते हैं मंदिर में प्रसाद। भूटान 3% नाथ लोग मिलते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश और रंगून में नाथवंशियों के अनुयायी को मानने वाली जो लोग होते हैं, वे भी एक रूप से शैव संप्रदाय से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि महावीर और बुद्ध नाथ समाज और नाथ संप्रदाय का एक सनातन धर्म के अनुसार एक प्राचीन इतिहास रहा है, जिसका कहीं भी बहुत ही कम उल्लेख किया है, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण ने नाथों इतिहास को लोगों से छुपाया है। नाथ समाज के लोग सिद्ध महापुरुष और वीर लोग होते थे, परम तपस्वी ज्ञानी कल का भी रुख मोड़ देने वाले ऐसे तपस्वी होते थे। क्या क्या मैं अपने मुख से कोई वचन कह देते तो वह सत्य बन जाती थी, इतना तेज उनकी वाणी में होता था। जब राजा महाराजाओं के यहाँ संतान नहीं होती थी तो ऐसी तपस्वी जोगी सन्यासियों के आशीर्वाद से संतान का सुख भोग पाते थे। सो गाइस, अब हम लोग गोरखनाथ मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से एंट्री होती है और अब हम लोग आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और बाबा गोरखनाथ की भी मूर्ति आप लोग को दिखाता हूँ मैं। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित है। नाथ योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था, अतः योगेश्वर गोरखनाथ के पुण्य स्थल के कारण इस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ा। महायोगी गुरु गोरखनाथ की यह तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जनशून्य शांत तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे छोटे मठ रहे। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष और शांति का अनुभव करते हैं, वह ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की ही कृपा से है।
वर्तमान पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में श्री गोरखनाथ मंदिर विशाल आकार प्रकार प्रांगण की भव्यता तथा पवित्र रमणीयता को प्राप्त हो रहा है। पुराना मंदिर नव निर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो गया है। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाए अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अनेक झंझावातों के बावजूद अखंड रूप से जलती आ रही है। ये ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मता का प्रतीक है। ये गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष प्रेरणा स्रोत का काम करती है। इसमें गोरखनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी विद्यमान है। यह पूरा एक हॉल है।